हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आ गई है ऑटम ब्रेक और मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए क्या एक्साइटिंग करें, तो मैं उनके लिए लेकर आई थी बहुत सारी बुक्स और कुछ बोर्ड गेम्स। तो आरवी ने खेली अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्क्रैबल, इट इज़ अ वर्ड गेम जिसमें आपको मिलते हैं कुछ लेटर्स और उनको ज्वाइन करके आपको बनाने होते हैं कुछ वर्ड्स। तो इट इज़ रियल फन विद फ्रेंड्स स्पेशली, एंड उसके बाद कुछ लर्निंग भी हो जाती है, बच्चों की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाती है। फिर आ गई उनके खाने की डिमांड की खाना है हमें यमी यमी डोमिनोज का पिज़्ज़ा, बट इस बार मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैंने ट्राई किया घर पे ही बनाने का। मैं सारी वेजिटेबल्स ले आई थी, मशरूम, कैप्सिकम, अनियन। इसको मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल लिया और बारी बारी सारी वेजिटेबल्स सॉटे कर ली ताकि उनका पानी बिल्कुल निकल जाए। इवन मैं टोमेटोज़ को भी देखो सॉटे कर लूँगी, उसके बाद पनीर को भी सॉटे कर लूँगी। और स्वीट कॉर्नस को मैंने प्रेशर कुक कर लिया था, एक विसल दिलाते ही अच्छे से पक जाते हैं स्वीट कॉर्नस। और आप देखना, मैं स्पेशली व्हीट वाला पिज़्ज़ा बेस लेकर आती हूँ विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड नाइस, और वो मतलब सीरियसली बहुत ही यम्मी लगता है मुझे, क्योंकि एक तो बहुत ही थिन होता है, बहुत थिक वाला बेस मुझे अच्छा नहीं लगता। और लिटरली अगर आपका बेस यम्मी है ना पिज़्ज़ा का, तो फिर पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इट टेक्स जस्ट 10 मिनट्स टू मेक दिस यमी पिज़्ज़ा। अगर आप भी कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल होता है। अमायरा को पसंद है सिर्फ चीज़ वाला पिज़्ज़ा, तो मैं एक साइड पे बना रही हूँ सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा। और ये जो चीज़ है ना, ये आमूल चीज़ स्प्रेड है, मैंने अच्छे से कर दी है पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रेड, और डाल दी सारी वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स। और मैं बनाऊँगी ये पिज़्ज़ा तवे पे, बस डाला थोड़ा सा घी और थोड़ी सी सॉल्ट एंड सीजनिंग मैंने वेजिटेबल्स के ऊपर ऐड कर दी थी। बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चीज़ ऑलरेडी सॉल्टेड होता है, बस उसको कवर करके रख दिया। हार्डली 3 to 4 मिनट्स ही रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो ये पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हल्का सा बस क्रिस्पी हो और आप इस बेस को निकाल लें। और मैंने इसको कट कर दिया था 4 पीसेज में। अब आप देख लो बच्चों के रिएक्शन से कि एक्चुअली ये बहुत यम्मी बना था। फिर मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया मेरे और विशाल के लिए, जिसमें मैंने खूब सारा चीज़ लगा दिया। कुछ लोग श्रेडेड चीज़ यूज़ करते हैं ऊपर से टॉपिंग्स की तरह डालने के लिए, बट तवे पे अगर आप बना रहे हैं तो उसका एक ही ड्रॉबैक होता है, वो यही रहता है कि ऊपर से नहीं पकता पिज़्ज़ा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, वेजिटेबल्स को अलग से सॉटे कर लेती हूँ और चीज़ ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ। और अपने विशाल के लिए बस एक ऐड ऑन है, ये शेज़वान चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, लिटरली आपको लगता है कि डोमिनोज से भी ज़्यादा यम्मी पिज़्ज़ा होता है। आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट करवाऊंगी, इट इज़ एब्सोल्युटली यम्मी। बस एक ही चीज़ मिसिंग लगती है, ओरिगैनो जो वो देते हैं ना सीजनिंग्स, तो वो मैं जब भी हम डोमिनोज से भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली मंगवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी मुझे मन करता है तो बच्चों को जब छुट्टियाँ हों स्पेशली तब होममेड कुछ बना के खिलाने का। तो मैंने सीजनिंग्स डोमिनोज वाली रखी हुई थी, वो मैंने ऊपर से डाल दी, तो बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आता है, मतलब लिटरली एक इंसान पूरा ये एक पिज़्ज़ा चट कर सकता है ईजिली। तो मैंने ये बना दिया पिज़्ज़ा और काफ़ी सारी, आप देखिए कि इसमें आप जस्ट 250 ग्राम्स ऑफ पनीर था, एक पैकेट कॉर्नस थे, एक शिमला मिर्च थी, एक अनियन और एक टोमेटो, और उसी से बन गया मेरा बहुत ही डिलीशियस वाला पिज़्ज़ा। वो खा लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे की है ये फुटेज जब हम लोग गए बाहर, दिवाली मेला और ये दशहरा मेला सब जगह लगा हुआ है, तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है। और स्पेशली आई थिंक वेदर भी ना इस टाइम पे बहुत ही अमेजिंग होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है बाहर घूमने में। तो हम लोग निकल पड़े और हमारे घर के पास तो वी आर सो ब्लेस्ड फॉर दिस कि 4-4 मेले लगे होते हैं लिटरली, और हर मेले में जहाँ भी आप चले जाएँ वहाँ इतना रश होता है, लोग इतना एंजॉय कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो मैं भी बच्चों को ये वाला फील ज़रूर देना चाहती थी। तो हम लोग पहुँचे मेले में, बच्चों को तो मज़ा आता ही है, मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है जब हम अपने पापा मम्मा के साथ ऐसे मेले में जाया करते थे। और ये लाइटिंग इतनी ब्यूटीफुल लगती है यहाँ पे, इतने सारे स्विंग्स होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए होती हैं। हाँ, बट थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि आजकल इन स्विंग्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है कि इतने ज़्यादा ये स्टर्डी नहीं होते, कभी कभी कोई इंजरी भी हो जाती है, इसको लेकर विशाल थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं। बट एनी हाउ पॉजिटिव सोचते हुए हम लोग निकल पड़े
और ये वाली गेम तो अगर आपने आप भी 90s किड्स है तो आपको ज़रूर याद होगी ये वाली गेम भी कि ये तो हम लोग मेले में जाते हैं तो खेलते ही हैं। तो आरवी ने भी ट्राई की और कुछ बलून्स फोड़े इस गन से, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अमायरा को जाना था इस वाले स्विंग पे, वहाँ पे इतने सारे स्विंग्स थे ना दैट शी वॉज गेटिंग कन्फ्यूज कि मामा मैं इसमें जाऊँ कि किस में जाऊँ। और आरवी को जाना था एक बड़े से जाइंट व्हील में जिसमें कि जाना तो था, लेकिन मुझे पर्सनली स्विंग्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं और ऑब्वियसली हम आरवी को अकेले भी नहीं भेज सकते थे। तो अमायरा ने झूला ये वाला झूला, तो आरवी ने मुझे कन्विंस कर लिया अपने साथ इस कोलंबस में बैठने के लिए। ये भी बहुत ही बड़ा सा कोलंबस था और मैं और आरवी गए इस कोलंबस में और बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था। इवन तो हम बिल्कुल आगे आगे ही बैठे थे, काफ़ी लोग तो बहुत पीछे बैठते हैं एंड आई थिंक कि पीछे बैठना तो और भी ज़्यादा डेंजरस लगता है मुझे, बट हमने एंजॉय किया, अपने बचपन को रिलिव किया विद आवर किड्स। स्विंग्स पे जाने का मुझे बस एक ही ड्रॉबैक लगता है कि यहाँ पे ना बहुत ही वो केरोसिन की या जो भी डीजल या आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल दे हैव बीन यूजिंग, तो उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है स्विंग्स से ज़्यादा, तो आपको उसी से नॉजियाटिक सा फील होने लग जाता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, बट मेले में आए हैं और कोई टॉय ना ख़रीदें ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो फिर इन बच्चों ने ख़रीदे बबल्स और जो कि मुझे बिल्कुल नापसंद हैं क्योंकि घर पर वो पूरा मेस कर देते हैं सोपी वाटर से, बट एनी हाउ उन्होंने कुछ तो लेना था। और फिर ये कॉटन कैंडी, अमायरा थक गई थी तो बैठ गई थी विशाल के शोल्डर्स पे और बस हमने यहाँ की बहुत सारी मस्ती और हम निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ। बट आई वॉज़ मिसिंग दैट फन कि मैं बच्चों को रामलीला दिखाऊं या फिर एफिजीज ऑफ रावण दिखाऊं, पर रात को मुझे लग रहा था कि नहीं है, बट बाय चांस यहाँ पर एफिजीज भी ऑलरेडी लगी हुई थी एंड इट लुक सो ब्यूटीफुल। अमायरा को तो पता ही नहीं होता है कि जब मैं उसको स्टोरी भी बताती हूँ कि अच्छे राम जी होते हैं रावण होते हैं, तो वो सोचती है कि मम्मा एक इमेजिनेटिव स्टोरी बता रही है, बट जब उसने लिटरली ये पुतले देखे तो वो भी बड़ी अम्यूज हो गई। और फिर बस हम घर पहुँचे और बच्चों ने की बहुत सारी मस्ती इन बबल्स के साथ। अगर आपको भी हमारी वीडियो देखकर थोड़ी सी बचपन की याद आई हो और थोड़ी सी मस्ती आई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस को बट दे डू नॉट लाइक आ वीडियो और कमेंट, सो प्लीज़ डू दिस लिटिल थिंग फॉर अस टू इनकरेज अस टू शेयर मोर वीडियोस विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, आई होप आपको मज़ा आया होगा। लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।